सो हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी एक और नई ताज़ी जानदार जबरदस्त वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ गोरखपुर टू देवरिया रोड पर, यानी कि गोरखपुर से जो रोड देवरिया तक जाता है, मैं इस रोड पर हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ इस रोड पर। यहाँ से कुछ देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से व्यू है इस रोड का। और आप लोगों को आज इस रोड का, यानी कि गोरखपुर से देवरिया जो रोड जाता है, यानी कि गोरखपुर टू देवरिया रोड का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी शानदार होगा, काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नहीं भाई लोग, प्रेस कर दो यार, जल्दी से क्या कर रहे हो, जल्दी से पहले बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को एक लाइक करो। जल्दी से लाइक करो यार, ताको मत, देखो मत, जल्दी से लाइक करो। तो फिलहाल दोस्तों, अभी मैं हूँ यहाँ पर है एक दुर्गा मंदिर, तो फिलहाल अभी मैं हूँ दुर्गा मंदिर के पास और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गोरखपुर टू देवरिया रोड पर चल रहे हैं। और यहाँ से कुछ इस तरीके से व्यू दिखता हुआ आप लोगों के सामने कुछ बेहतरीन नज़ारा है, जो कि फ़िलहाल कितना बेहतरीन है। और यहाँ से जो देखिए इस साइड में थोड़ा जंगल टाइप में है, तो कितना बेहतरीन लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आप लोगों के सामने दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट का कार्य है ना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, रोडों का चौड़ीकरण चल रहा है और यहाँ पर जो कि पाइप लगाया जाएगा, बम्बू पड़ेगा नाली के लिए। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से गोरखपुर में डेवलपमेंट का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता हुआ आप लोगों के सामने, गोरखपुर में डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है, यानी कि गोरखपुर में विकास की राह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य को देखते हुए देखिए यहाँ पर मिट्टी भी खना गया है, यानी कि मिट्टी भी खोदा गया है। तो फिलहाल अब इसमें पाइप डालना है, उसके बाद इसका जो कार हो जाएगा, पुल हो जाएगा, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा कार पुल होने के बाद। तो फिलहाल अभी देखिए कुछ इस तरीके से है रोड के किनारे, देखिए फिलहाल गिट्टी भी पड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए लाइन से आप लोगों को बैम्बू दिख रहा होगा, जो नाली वाला बम्बू होता है। तो फिलहाल गोरखपुर में डेवलपमेंट का कार दोस्तों कुछ इस तरीके से होता हुआ गोरखपुर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट का कार चल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। गोरखपुर टू देवरिया रोड पर जो डेवलपमेंट का कार है कुछ इस तरीके से हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से गोरखपुर में हमारे गोरखपुर में डेवलपमेंट का कार्य होता हुआ। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं कि गोरखपुर में कितना बेहतरीन तरीके से विकास हो रहा है। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ पर दो फोर व्हीलर, तो चलिए इनसे निकलते हैं आगे हम लोग। तो फिलहाल धीरे धीरे करके इन लोगों से आगे निकलते हुए, लेकिन फिलहाल हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग आराम से चलेंगे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखिए कि ये फोर व्हीलर जिसको हम पीछे किए थे वो खुद आगे चला गया। तो फिर भाई जाओ आगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाओ। और यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है और यहाँ पर गिट्टी बिछ चुका है दोनों साइड में यहाँ पर गिट्टी बिछा हुआ है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं व्यू, कितना बेहतरीन व्यू है। और अभी आगे आने वाला है करजहाँ का ओवर ब्रिज। तो फिलहाल ये आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, ये है करजहाँ का ओवर ब्रिज, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल अभी गिट्टी उट्टी गिरा हुआ है, इस वजह से अभी आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखेगा यहाँ पर, बहुत ही लाजवाब यार। जहाँ पर इस तरीके से रोड मुड़ी हुई होती है ना, वो वास्तव में दृश्य तो बहुत ही जानदार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, देखने लायक दृश्य होता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कितना जानदार व्यू, वाह यार वाह। फिलहाल अभी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन व्यू हुए, देखिए वाह। तो फिलहाल दोस्तों हमारे गोरखपुर में डेवलपमेंट का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, रोडों का चौड़ीकरण तो लगभग हर दिशाओं में रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी विकास की राह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं इससे आगे, तो हम लोग चल रहे हैं आगे। और ये रोड दोस्तों ना, इस रोड पर कभी भी जाम नहीं पाएंगे आप, कभी भी आइए इस रोड पर आपको जाम नहीं मिलेगा, ये गोरखपुर टू देवरिया बाईपास। तो फिलहाल इस रोड पर कभी भी आप लोगों को जाम नहीं मिलता है, और बाईपास पर तो अक्सर जाम नहीं मिलता है। तो फिलहाल इसी कारण इस रोड पर भी जाम नहीं मिलता है, तो इस रोड पर आप लोग आइए, आराम से ड्राइव कीजिए, आराम से आनंद लीजिए इस रोड का। फिलहाल अगर कहीं जाना होना हो तो इस रोड के माध्यम से आइए, क्योंकि इस रोड के माध्यम से आने से फ़ायदा ये है कि आप लोगों को कभी जाम का सामना करने को नहीं मिलेगा, और आराम से ड्राइव करके आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच पाएंगे। तो फिलहाल कुछ इसी तरीके से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ गोरखपुर टू देवरिया रोड का कुछ व्यू, कि कितना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ, ये मायने रखता है।
तो फिलहाल देखिए कितना बेहतरीन तरीके से वर्किंग डेवलपमेंट का कार्य होता हुआ। तो अभी इस रोड पर देखिए यहाँ पर डिवाइडर, जो बीच में जो डिवाइडर लगा हुआ है, अभी इस पर घास फूस नहीं लगे हैं, यानी कि झाड़ियाँ अभी इस रोड पर नहीं लगी हुई हैं। तो फिलहाल अभी लाइटें भी बहुत कम, एक एक लाइटें कहीं पर देखने को मिल जा रहा है, हालांकि लाइटें भी इधर आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन का कार्य कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है हमारे गोरखपुर में। तो फिलहाल यहाँ पर लगता है कोई फैक्ट्री बन रही है, तो आगे पता चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री, अभी तो फिलहाल नॉलेज में नहीं है हमारी कि वो कौन सी फैक्ट्री बन रही थी। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप लोग को देख पा रहे हैं, ओहो हरियाली भरा। जब इस तरीके से रोड की साइड में जब हरियालियाँ होती हैं ना, तो वास्तव में काफ़ी बेहतरीन व्यू होता है, काफ़ी जानदार व्यू होता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को हम दिखा पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त लुक अपने गोरखपुर का, यानी कि गोरखपुर टू देवरिया रोड का। तो फिलहाल कुछ ही तरीके से आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूँ बेहतरीन व्यू जो आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से वाव यार वाव, यहाँ पर देखिए पेट्रोल टंकी पर टेम्पो का लाइन लगा हुआ है। ये पेट्रोल टंकी है लेकिन फिर भी लाइन लगा हुआ है, बताओ भाई। इसलिए लाइन लगा हुआ है क्योंकि बगल में गैस भी भराता है, इसलिए लाइन लगा हुआ है। आप लोग तो समझ गए होंगे थोड़ा, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं तो हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है डेवलपमेंट का कार्य जो गोरखपुर में हमारे हो रहा है, और उस साइड भी गिट्टी गिरा हुआ है, यानी कि उस साइड का चौड़ीकरण नहीं हुआ है अभी। तो फिलहाल कुछ इसी तरीके से जो यहाँ पर बीच में जो डिवाइड रहना, जब इस पर झाड़ियाँ लग जाएंगी, जब लाइट लग जाएंगी, तो वास्तव में ना इस रोड पर जो नाइट का व्यू होगा ना, वो काफ़ी जानदार होगा, एकदम देखने लायक भी होगा। तो फिलहाल जैसे ये डेवलपमेंट का कार्य पूरा होता है, मैं आप लोगों को नाइट व्यू इस रोड का भी दे दूँगा, मैं आप लोगों के सामने नाइट व्यू लाऊँगा। जब पूरा झाड़ियाँ लग जाएंगी, लाइटें लग जाएंगी, उसके बाद इस रोड का नाइट व्यू मैं आप लोगों को लेकर कराऊँगा आप लोगों के सामने, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी तो आप लोगों के सामने यही है कि गोरखपुर डेवलपमेंट का कार्य काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो चलिए हमारा वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। लेकिन हाँ 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 यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को एक लाइक भी कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।